आप किले का पिछला भाग देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ पर। काफी प्राचीन किला होने के बावजूद भी दोस्तों आज भी यह किला इंटैक्ट है। और ये उससे जुड़े हुए कमरे, दोस्तों छत्तीसगढ़ में 36 किले हैं ऐसा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम ही इन 36 किलों के नाम पर ही पड़ा है। छत्तीसगढ़ की इन ऐतिहासिक धरोहरों की संख्या दोस्तों धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अनोखे रहस्यमय किले के बारे में बताने वाला हूँ जो इतिहास के पन्नों में गुमसा गया है। बहुत ही कम लोग इस किले के बारे में पता है, इसके इतिहास के बारे में, इसके रहस्यों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आपको लेकर जाने वाले हैं लाफागढ़ का किला, जो कि कोरबा में स्थित चैतुरगढ़ लाफागढ़ एक अनोखा रहस्यमय किला है। चलिए जानते हैं दोस्तों इस लाफागढ़ किले की कहानी क्या है, कैसे यह किला वीरान सा हो गया है और इस किले में क्या था, वह सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। जय जवाहर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। दोस्तों मैं अभी कुछ समय से सोच रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 36 अलग अलग किले हैं सभी का एक वीडियो आप लोग के सामने आना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी चैनल ने नहीं किया जिसमें सारे किलों के बारे में आपको बताया हो। तो मैं अभी एक ऐसा ही सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के 36 किलों के बारे में बताने वाला हूँ, उनसे जुड़े हुए राज, क्योंकि ये किले बहुत पुराने थे और अभी कुछ किलों में ही जो है वर्तमान में उनके जो राजा है और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो रहते हैं। तो काफ़ी सारे किले जो हैं वो छूट गए हैं। अभी किले किनके थे, क्या क्या यहाँ आज बचा हुआ है, क्या आप लोग यहाँ आकर देख सकते हैं। काफ़ी सारे किलों को वैसे पर्यटन स्थल के रूप में भी रखा गया है जहाँ आप जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं, कुछ खास समय के लिए ही वो खोले जाते हैं। तो आज इसी सिलसिले में सबसे पहला मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ लाफागढ़ का, जो कि कोरबा का एक किला है चैतुरगढ़ लाफागढ़। आपने काफ़ी सारे पुस्तकों में पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे इन सब किलों के बारे में। तो आज मैं इसी एक अनोखे किले पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ का रहस्य आज भी छिपा हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं, चांदी से बनी हुई, सोने से बनी हुई, और जो यहाँ भी रहते हैं उनसे भी हम लोग जाके बात करेंगे और जानेंगे यहाँ कौन रहा करते थे पहले और क्या भी स्थिति है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी लाफागढ़ की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक लाफागढ़ लेकर जाने वाला हूँ। वैसे दोस्तों मुख्य जो किला है राजाओं का वह चैतुरगढ़ में ही था, लाफागढ़ में जो है उनकी ज़मींदारी थी और यह लाफागढ़ उन राजाओं के नाम से आज भी जाना जाता है। यहाँ के लोग उनके डिसेंडेंट्स को आज भी राजा के नाम से ही मानते हैं। इसके अंदर में काफ़ी सारे गांव थे, तो आज हम लोग लाफागढ़ जाकर घूमते हैं। इसकी दूरी बिलासपुर से 63 और कोरबा से 77 किलोमीटर है। पहुँच गए हम लोग दोस्तों पाली से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाफागढ़। आप लोग देख सकते हो यहाँ किले का द्वार है, काफ़ी प्राचीन किला है, और चलेंगे अंदर देखेंगे, साथ में जानेंगे इस किले के बारे में क्या खास है। पुराने समय में दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध किलों में से एक लाफागढ़ अपनी खूबसूरती के चरम पे था, अपने प्रताप के चरम पे था। आज दोस्तों यह जो किला है यह काफ़ी हद तक टूट चुका है और काफ़ी बुरी अवस्था में है। हालाँकि आज भी इस किले से जुड़ी हुई कहानी, किस्से, रहस्य लोगों के बीच में कहे जाते हैं और इतिहास के पन्नों में आज भी लाफागढ़ स्थित है। तो ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हम लोग भी किले के अंदर में, वैसे तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ है, यही आप देख सकते हो, यही मेन गेट, मेन एंट्रेंस पॉइंट हुआ करता था इस किले का। और यहाँ पीछे मंदिर है, उस तरफ से जाते हैं मंदिर, मंदिर आपको लेकर चलूँगा। किले के यही अवशेष बचे हुए हैं और एक हिसाब से आप बोल सकते हो। और ये वाला भी हिस्सा है, अभी कुछ कुछ रिनोवेशन चल रहा है आप समझ सकते हो, क्योंकि किला जो है वो काफ़ी हद तक जो है टूट चुका है और कुछ जो पुराने हिस्से आपको देखने को मिलेंगे इधर। चलिए अब चलते हैं हम घर तरफ, घर शायद इस तरफ है और घर में जाके देखते हैं क्या है वहाँ खास। वैसे दोस्तों लाफागढ़ में राजाओं की जमींदारी थी ऐसा कहा जाता है, मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है। इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वारा करवाया गया था
और यह उनके द्वारा निर्मित 52 किलों में से एक था और यह गढ़मंडल या फिर गढ़मंडला का जो है हिस्सा था। वैसे मुख्य किला दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया, चैतुरगढ़ का किला था जो कि छत्तीसगढ़ के 36 किलों में शामिल था। इस चैतुरगढ़ के किले पे जो है कलचुरियों का शासन था और तुम्मान से जो राजा इनका शासन करते थे। मानते हैं कि 15वीं शताब्दी में लगभग चैतुरगढ़ के किले को राजा अकबर द्वारा जो है हथियार लिया गया था और बाद में पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा वापस 16वीं शताब्दी में उसे अपने अधिकार में ले लिया गया। मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, महिषासुर मर्दिनी मंदिर आप लोग चैतुरगढ़ में देखते हैं, वह लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा एक संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। बात रही दोस्तों यहाँ लाफागढ़ की जमींदारी की, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ उनके डिसेंडेंट्स रहते थे और काफ़ी सारे प्राचीन सामान यहाँ रहा करते थे। हालांकि उन सबको जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद जो है सरकार के पक्ष में ले लिया गया। हालांकि आज भी यह किले का जो अधूरा भाग है, जो बचा हुआ अवशेष है, उसे आप लोग यहाँ देख सकते हो। काफ़ी सारे राज यह किला आज भी अपने साथ लिए हुए हैं दोस्तों। हालांकि इस किले में अभी कोई नहीं रहता है, जो यहाँ के डिसेंडेंट्स हैं वो यहाँ नहीं रहते, किसी और जगह रहते हैं। किला आज भी यहीं इंटैक्ट है और बहुत ही अच्छी अवस्था में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये कुछ अजीब सा बना हुआ है दरवाजे के पास, पता नहीं क्या है, शायद दिया वगैरह रखने के लिए होगा। और ये आप देख सकते हो दरवाज़ा बड़ा ही अजीब, क्या पता चांदी का बना हो। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कारीगरी की गई है दरवाजे के आसपास दोस्तों। अभी घर में कोई नहीं है एक्चुअल में, वरना मैं आपको अंदर भी ले जाकर दिखाता, क्योंकि मुख्य जो किला है वो अंदर में ही है। हालांकि आप लोग यहाँ देख सकते हो किनारे पे पूरा जो उनका अलमीरा वगैरह रखा है और दीवारों पर, स्तंभों पर जिस प्रकार की यहाँ पर कारीगरी की गई है, ये जमींदारी हुआ करती थी जिसको लाफागढ़ जमींदारी कहा जाता था। और मुख्य आपको किला देखना है तो आप चैतुरगढ़ भी जा सकते हैं, वहाँ जो है मुख्य किला है। आप किले का पिछला भाग देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ पास। काफी प्राचीन किला होने के बावजूद भी दोस्तों आज भी यह किला इंटैक्ट है। और ये उससे जुड़े हुए कमरे, लाफागढ़ के किले ने दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, अंग्रेज़ों के आक्रमण से लेकर यहाँ की जमींदारी और पुराने समय के सारे इतिहास इसी किले में दफन है। उसके राज आज भी अनसुने हैं और उनका पता लगा पाना भी काफ़ी मुश्किल है। हालांकि इस किले की जो इतिहास है उसके बारे में आप लोग पुस्तक और इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी, प्राचीन झूमर, गहने और काफ़ी सारी सोने चांदी से बनी हुई चीज़ें। हालांकि वो सारी चीज़ें आज इस किले में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें जो है सरकार के जब्ते में आ गई जैसे ही जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। हालांकि दोस्तों पर्यटन के रूप में यह लाफागढ़ का किला एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अगर आपका कभी भी मन करे चैतुरगढ़, अगर आप लोग जा रहे हैं चैतुरगढ़ का किला देखने, तो उसका एक दूसरा भाग यह लाफागढ़ भी है, तो यहाँ भी आप लोग ज़रूर आइएगा और इस किले कि प्राचीनतम जो बनावट है उसको ज़रूर देखिएगा, आपका मन ज़रूर प्रसन्न हो जाएगा। फिलहाल आप लोग को लाफागढ़ का यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही, बहुत सारे रहस्य आज भी यह किला लिए हुए है, अपने अंदर समाये हुए हैं और शायद उस रहस्यों को जान पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि जो इतिहास हमको पुस्तकों से मिलता है वह हम लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं। बरसात के मौसम में खासकर चैतुरगढ़ का मौसम काफ़ी सुहाना होता है, जैसे कि आप लोग इस लाफागढ़ गांव से देख सकते हैं, इससे कुछ ही दूरी पर चैतुरगढ़ स्थित। तो यहाँ जब भी आप आएँ अपना एक्सपीरियंस अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं आपका लाफागढ़ चैतुरगढ़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो दोस्तों ये था लाफागढ़, छत्तीसगढ़ के 36 किलो में से एक किला या फिर एक गढ़। आज भी इतिहास के बहुत सारे किस्से ये अपने अंदर समाये हुए और छुपा हुआ है। बहुत सारे लोग इस किले के बारे में पता नहीं, कोई भी चैतुरगढ़ जाता है तो सीधा चैतुरगढ़ चले जाते हैं, यहाँ नहीं रुकते, लेकिन ये किला आपको इसी गांव में देखने को मिलता है। यहाँ जमींदारी थी पहले उनकी, काफ़ी सारे साक्ष्य आज भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही जमींदारी प्रथा समाप्त हुई उसके बाद जो अधिकांश चीज़ें थी वो सरकार के अंदर जब्ते में आ गई, जो बच गया है वो ये किला है और यहाँ के लोग हैं और उनके द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हैं।
दोस्तों आप लोग को यहाँ लाफागढ़ के किले का वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में ऐसे ही नए किस्से कहानियों की खोज में, रहस्यों को सुलझाते हुए।